नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट कंप्यूटर ट्यूटोरियल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट कंप्यूटर ट्यूटोरियल में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें। तो आज हम लेकर आए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अगली पार्ट, यानी कि अगर आप लोग इससे पहले जो हमारे एक्सेल के वीडियो नहीं देखे होंगे उन्हें जरूर देख ले, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक के बारे में, जो आपको शायद ही कहीं सुनने को मिला हो या देखने को मिला हो। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो मैं लास्ट में आज बताने वाला हूँ वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, आज सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आज किस किस चीज़ों पर चर्चा करने वाला हूं, और ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो कहीं ना कहीं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या तो बैंकिंग की हो या एसएससी की हो, क्योंकि एक्सेल से एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो सबसे पहले आज हम किस किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आज हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि सबसे पहली बात, हम अपने कंट्रोल की के साथ कौन कौन सा कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं और इसका क्या यूज है हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन कौन सा की का यूज है, यानी हम लोग कंट्रोल की के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, जो भी हमारा कंट्रोल की है उसके बारे में जानेंगे। तो कंट्रोल की के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जहाँ भी हो आपके पास ओपन कर लीजिए। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन थोड़ा अच्छा दिखे। परसेंटेज 200 कर ले रहा हूँ, अब थोड़ा अच्छा है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा था कि कंट्रोल की के साथ का कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास कंट्रोल की कीवर्ड में है, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन के साथ जो हम की यूज करने वाले हैं वो है एरोज की, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। क्योंकि दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमारे वीडियो में टोटल कितने रो है, तो टोटल रो हमारे हैं 65,536। यानी टोटल रो की बात करें तो 65,536 रोज मैंने बताए थे। ठीक है, और कॉलम की बात करते हैं तो मैंने बताया था टोटल 256 कॉलम। तो ये चीजें नॉर्मली है, सब लोग बताते हैं आपको, यानी कि 65,536 रो और 256 कॉलम है। लेकिन अब जब बारी आती है कि मुझे एकदम लास्ट रो पे जाना है, तो 65,536 रो पे देखिए एरो की प्रेस करके दावे रहिए, तो पता चलेगा कि आपको घंटों बीत जाएंगे फिर भी आप लास्ट रो या लास्ट कॉलम पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो इन्हीं सब चीजों के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉम्बिनेशन की का। ठीक है, यानी कंट्रोल के साथ कुछ की को कंबाइन करके हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो हमारा पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पर नोट किया है वो हमारा है पहला पॉइंट क्या है कि कंट्रोल के साथ हम यूज करने वाले हैं डाउन एरो की। ठीक है, कंट्रोल के साथ डाउन एरो की यूज करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें यहाँ पर सबसे पहला है कंट्रोल के साथ डाउन एरो की, यानी कि जब हम कंट्रोल के साथ डाउन एरोस की प्रेस करेंगे तो कर्सर हमारा कहाँ चला जाएगा, लास्ट रो में चला जाएगा। अब बात हो रही है यहाँ पर कर्सर की, तो देखिए कर्सर से मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो अभी स्क्रीन पर हमारा ये ब्लिंक कर रहा है, ये वाला कहीं भी अभी क्लिक करते हैं, ये वाला जो हमारा ब्लिंक कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला तो अभी जो ब्लिंक कर रहा है, ये जहाँ ब्लिंक करता है वहीं पर हम लोग कुछ मैटर को टाइप कर सकते हैं। अगर ये ब्लिंक यहाँ कर रहा है तो हम यहीं पर टाइप करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होता है, हमारा कर्सर ये वाला जो स्क्वायर बॉक्स है वो होता है, ये जिस सेल में होगा वहीं पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर होगा वहीं पर हम लिख सकते हैं।
तो सोचने वाली बात है कि ये हमारा जो है, हमारा क्या है, एक्सेल में कर्सर है, तो इसी को हम मूव करने की बात कर रहे हैं कि लास्ट रो में मुझे जाना है तो हम क्या करना होगा। अभी हम लोग पहले रो में हैं, ये हमारा जो हॉरिजेंटल वाला होता है इस तरह से, ये हमारा रो कहलाता है। इस तरह से पहला रो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा नेक्स्ट, छठा नेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा नीचे की ओर रो काउंट होता है। तो जब हम रो की बात कर रहे हैं तो मुझे जानना है कि रो हमारे टोटल कितने रो हैं, ठीक है। वो इसमें मैंने बता दिया 65,536 हमारे टोटल रो है। कितने रो है? 65,536 रो है। तो अब सोचिए, अभी हम पहले रो पे हैं लेकिन हमें लास्ट रो पे जाना हो तो हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन है, कीबोर्ड से कंट्रोल वाला की प्रेस करते हैं और अपने कीबोर्ड से जो एरो बटन होते हैं चार, मैंने आपको बताया था सारे कीज के बारे में, ठीक है। अगर आप लोगों ने हमारा विंडोज का बेसिक नहीं देखा हो, पार्ट वन, तो पार्ट टू जरूर देख ले, क्योंकि उसमें मैंने आपको कीबोर्ड के हर एक बटन के बारे में बताया है, जिसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आप क्या करें, सारे कीबोर्ड के पार्ट्स को देखें, उसके वीडियोस को देखें और अच्छे से बटन को जानें कि कौन सा बटन का नाम क्या है और इसका क्या यूज है। तो अभी हम बताने जा रहे हैं कंट्रोल की कीबोर्ड से प्रेस करके और डाउन एरो की कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो सबसे लास्ट रो में हम चले जाएंगे। देखिए हमारा लास्ट रो यहाँ दिख रहा है 65,536, है ना, यानी 65536। तो सबसे लास्ट रो में हम लोग कंट्रोल प्लस डाउन एरो की से आ गए। तो ये था हमारा पहला इंपॉर्टेंट ट्रिक कि कंट्रोल प्लस डाउन एरो की प्रेस करते हैं तो लास्ट रो में हम आ जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं हम क्या है कि हमारा दूसरा पॉइंट है। तो ये हमारा था पहला पॉइंट कि हम लास्ट रो पे कैसे जाते हैं। अब दूसरा जो हमारा शॉर्ट की है वो भी कंट्रोल के साथ ही काम करेगा। अब मुझे जाना कहाँ है कि एकदम लास्ट कॉलम में, तो कंट्रोल के साथ, अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करते हुए कीबोर्ड से मुझे राइट एरो की प्रेस कर देना है। तो देखिए हम लोग सबसे लास्ट कॉलम में चले गए हैं, है ना। लास्ट कॉलम जो हमारा है ये है, इसके बाद देखिए कॉलम ही नहीं है, इसके बाद हमारा ये कॉलम बिल्कुल समाप्त हो चुका है। तो कंट्रोल के साथ जैसे ही हम राइट एरो की प्रेस करते हैं तो लास्ट कॉलम में चले आते हैं। अब बात होती है कि कंट्रोल के साथ अप एरो, जैसे ही कंट्रोल दबाकर अप एरो की प्रेस करते हैं, कंट्रोल दबाकर अप एरो की प्रेस करते हैं तो हम सबसे फर्स्ट रो में चले जाते हैं। ये देखिए हमारा सबसे पहला रो यानी सीरियल नंबर एक, आप देख भी रहे होंगे, ये हमारा सबसे फर्स्ट रो है जहां पर हम कंट्रोल के साथ अप एरो की का यूज करते हुए आ गए हैं। इसके बाद हमारा है एक कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की का उपयोग करेंगे कि जैसे ही कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की दबाएंगे हम लोग सबसे फास्ट कॉलम में चले जाएंगे। अभी कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की प्रेस करते हैं, देखिए तो हमारा सबसे पहला कॉलम जो है उसमें हम आ चुके हैं, ठीक है। ये वाला कॉलम होता है इस तरह से और इधर जो है रो होता है, मैं इसे बार बार बता रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो हम लोग ये चार की मेन जो है इंपॉर्टेंट कंट्रोल के साथ एरो की का यूज मैंने बताया। वैसे एरो की का यूज बहुत है और इसके साथ और भी अलग अलग कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करेंगे कीबोर्ड का, उसे हम लोग क्या करेंगे आगे देखेंगे। तो अभी मैंने ये बता दिया, अब मैं बता रहा हूं कि अगला जो हमारा पॉइंट था कि अभी जो मैंने आपको बता दिया कि कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की, कंट्रोल के साथ राइट एरो की और कंट्रोल के साथ ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अभी मैं ये इसलिए आखिर मैंने इसे स्क्रीन पर पॉइंट आउट क्यों किया, सबसे बड़ी बात ये है कि इसे मैंने पॉइंट आउट क्यों किया, पॉइंट मैंने क्यों बनाया, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है, कि कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करने पर क्या होगा, कंट्रोल की के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करने पर क्या होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इसे स्क्रीन पर टाइप करके डिस्प्ले कर दिया ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले या फिर इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर ले, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगली चीज ये है कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है ये पांच नंबर वाला पॉइंट। पांच नंबर वाला पॉइंट जनरली ये प्रचलित है, ये हमेशा क्वेश्चन इससे आते रहते हैं।
पांच नंबर वाला पॉइंट है कि एक्सेल इज कॉल्ड एज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। यह हमेशा क्वेश्चन में आता है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स एग्जाम में पूछेंगे और लिख देंगे कि एक्सेल इज कॉल्ड एज डॉट डॉट डॉट। वहां पर हम लोग स्प्रेडशीट या चार ऑप्शन होंगे कि एक्सेल क्या है, उसमें ऑप्शन दे देंगे वर्ड डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, इस तरह से चार ऑप्शन देंगे, उसमें एक स्प्रेडशीट का होगा, आप उसे मार्क कर सकते हैं। तो हमारा एक्सेल एक क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। और दूसरी बात है, इसके नीचे का भाग जो मैंने लिखा है छठा पॉइंट, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये नाम हमेशा आता है एक्सटेंशन नेम, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है एक्सटेंशन नेम, ये हमेशा आता है एग्जाम में, हमेशा क्वेश्चन इसे अराइज होते हैं एक्सटेंशन नेम के बारे में। एक्सटेंशन नेम होता क्या है, इसे मैंने पहली वीडियो में आपको बताया होगा, एक्सेल के पहली वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे देखे, काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही आपको बताया था, हमारा हर एक वीडियो एक्सेल का एक रिलेटेड पार्ट है, अगर एक भी आप छोड़ते हैं तो आगे जाके आपको समझने में काफी परेशानियां हो सकती हैं, वैसे मैं क्लियर कर दूंगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि एक्सेल डॉट एक्सएलएस एक्सटेंशन नेम होता है, जैसे हमारे फाइल का नाम होता है, जस्ट उसी प्रकार से इसमें भी फाइल का नाम है जिससे हम पहचान सकते हैं, जैसे हमारा टाइटल होता है, ठीक उस प्रकार से हर एक फाइल का अलग अलग, हर एक सॉफ्टवेयर का अलग अलग टाइटल है, तो इसमें डॉट एक्सएलएस करके उसका एक्सटेंशन नेम होता है। एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं कि एक्सटेंशन नेम ऑफ एक्सएलएस फाइल, यानी कि एक्सेल फाइल या स्प्रेडशीट फाइल, तो आप डॉट एक्सएलएस वो बिल्कुल याद रखेंगे, डॉट एक्सएलएस, अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो बिल्कुल नोट कर ले। तो अभी मैंने बता दिया कि XLS क्या होता है, इसका एक्सटेंशन नेम होता है, एक्सटेंशन नेम है XLS, सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्सेल का एक्सटेंशन नेम अगर पूछा जाए तो डॉट XLS होता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक था जो एग्जाम से रिलेटेड होता है, जो एग्जाम में आता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ काफी इंटरेस्टिंग बात, जो कि आप सब लोग जानते नहीं होंगे, और अधिकांशता ये चीजों को सब लोगों को जानकारी भी नहीं होता इसके बारे में। तो आज मैं फिर इसको एक बार बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, और आपको काफी इसमें इंटरेस्ट आएगा कि अभी मैं बताने वाला क्या हूँ। कि दोस्तों, अभी हम लोग शॉर्ट की का यूज कर रहे हैं हमेशा, लेकिन क्या आपको पता है कि हम लोग शॉर्ट की अपने सॉफ्टवेयर के लिए बना सकते हैं, यानी किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना हो उसके लिए हम लोग शॉर्ट की बना सकते हैं। शॉर्ट की कैसे बना सकते हैं, देखिए अभी मैं क्या करता हूं, ये एक्सेल फाइल को क्लोज कर ले रहा हूं, ठीक है। यहां से मैंने एक्सेल फाइल को क्लोज किया, अभी पूछ रहा है यहां पर, जब भी क्लोज करते हैं यहां पूछता है सेव करना है यस या नो, अभी मुझे सेव नहीं करना, मैं यहां से नो कर दे रहा हूं, सेव नहीं करना था मैंने नो कर दिया। और अभी देखिए, अगर आपका जो भी जिस भी एप्लीकेशन का आपको शॉर्ट की बनाना हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, इसका तो पहला तरीका यह है कि स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, ठीक है, और यहां से अपना प्रोग्राम्स जो भी है उसे चूज कीजिए, यहां से जो भी आपका प्रोग्राम है उसे हम क्या करेंगे, चूज कर लेंगे जिसके लिए मुझे शॉर्ट की बनाना है। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चला जाता हूं यहां पर, और यहां से मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। अभी मैं एक्सेल की वीडियो बता रहा हूं, तो एक्सेल का ही शॉर्ट की बनाना आपको बता देता हूं। और इस पर मैं क्या करता हूं, अपोजिट क्लिक प्रेस करता हूं, और यहां से मोर में, और मोर में जाने के बाद यहां से ओपन फाइल लोकेशन कर ले रहा हूं, ठीक है। फाइल लोकेशन ओपन कर लेने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, ये देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आइकन है उस पर अपोजिट क्लिक कर लेते हैं। अपोजिट क्लिक कर लेने के बाद यहां से आ जाते हैं प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन में, ठीक है। यहां से प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, और अब क्या करते हैं कि प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन में आकर के यहां पर देखिए एक शॉर्ट की का है ना कॉलम बना है, इसमें क्लिक कीजिए, और अपने कीबोर्ड से आप कोई भी शॉर्ट की प्रेस कीजिए, जैसे अल्ट कंट्रोल वन मैंने प्रेस कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, आप कुछ लोग सोच रहे होंगे अल्ट कंट्रोल क्यू, तो आप हमेशा आपको अल्ट कंट्रोल प्रेस करना ही होगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ओनली थ्री प्रेस कर रहा हूँ, देखिए अल्ट कंट्रोल इसके साथ ऑटोमेटिक सेट है,
तो आप अल्ट कंट्रोल के साथ ही यूज कीजिए, ठीक है। अल्ट कंट्रोल मान लिया वन मैंने प्रेस किया, और यहां से मैं कर दे रहा हूं अप्लाई, और यहां से मैं कर दे रहा हूं यहां से कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद मैं यहां से कर दे रहा हूं ओके। इतना कर देने के बाद मैं ये क्लोज कर ले रहा हूं। अब देखिए कि मैं अल्ट कंट्रोल वन प्रेस करता हूं तो क्या मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अभी ओपन होगा? बिल्कुल, देखिए हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो चुका है। कितना सिंपल है कि अगर किसी भी एप्लीकेशन के लिए हम शॉर्ट की बना ले तो कितनी आसानी से मैं उसे ओपन कर सकता हूं। फिर से मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूं। कीबोर्ड से अल्ट कंट्रोल वन प्रेस किया, ठीक है, ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। देखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मेरा ओपन हो गया। तो था ना ये कितना इंटरेस्टिंग चीज, तो इसके बारे में आप लोग जान गए। इसी प्रकार से आप एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट और किसी भी एप्लीकेशन का शॉर्ट की बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर इनसे आप कुछ सीखे हो और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हर लोग इसका बेनिफिट उठा सके। और हाँ, आप लोग अगर हमारे ब्लॉग पर जाते हैं तो वहां पर आपको जो भी मैं डेली वीडियो डालता हूँ उसके अपडेट्स नोट्स में वहां पर डालता हूँ। वहां से आप कॉपी पेस्ट करके प्रिंट करके या आराम से आप प्रिंट आउट निकाल के बाद में स्टडी भी कर सकते हैं। और आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी किसी भी डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बने रहें स्मार्ट कंप्यूटर ट्यूटोरियल के साथ, सीखते रहें, सिखाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।